हेलो फ्रेंड्स, पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने द फन दे हैड ऑफ बिहाई वोक को कंप्लीट कर लिया था दो पार्ट में। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे जो कि एनसीईआरटी के होंगे। अगर आप लोगों को इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए होंगे या फिर इंटरनल क्वेश्चंस जो कि स्टोरी बीच में पढ़ने के दौरान मिल जाते हैं, वैसे क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं डेफिनेटली उसको पोस्ट कर दूंगी एज सून एज पॉसिबल। सो इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है, मार्जी और टॉमी का एज क्या था? तो आप लोग क्लास नाइन्थ में हो तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है चीज़ों को, क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चंस का मार्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है, तो इसीलिए आप लोग अगर चाहो तो इतना लिख सकते हो कि मार्जी और टॉमी जो थे वो फ्यूचर में रहने वाले थे 2157 में। वो दोनों नेबर्स थे और एक साथ टाइम को स्पेंड करते थे, और मार्जी एक लड़की थी 11 साल की और टॉमी एक लड़का था 13 ईयर्स का। और अगर आप लोग नहीं चाहते हो इतना लेंदी लिखना तो यू कैन सिंपली राइट दैट मार्जी वॉज अ गर्ल ऑफ 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी वॉज अ 12 ईयर्स ओल्ड बॉय। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी? तो 17 मई 2157 को मार्जी अपने डायरी में लिख रही होती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला एक्टिक में से, जो कि उसके घर में था। उस बुक के जो पेजेस थे वो येलो क्रिंकली पेजेस थे, क्योंकि वो बुक एक ओल्ड बुक था। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चंस को लिख सकते हो, मैं थोड़ा देर के लिए होल्ड कर देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी में आप लोगों को मैं हिंदी में ही सबका डिफाइन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर थ्री, हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर? तो मार्जी जो थी उसने कभी भी एक रियल बुक नहीं देखा था, और उसने वो पहला ही बुक था जो कि रियल बुक देखा था, जो कि उसने टॉमी के घर से मिला था, जो टॉमी को मिला था, लेकिन वो दोनों फ्रेंड्स थे तो एक साथ बैठ करके देख रहे थे। उसने अपने ग्रैंडफादर से सुना था कि जब उनके ग्रैंडफादर थे तो वो लोग स्कूल जाते थे और वो लोग रियल बुक को पढ़ते थे, जिसमें कि जो पेपर्स पे जो वर्ड्स थे वो प्रिंट हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक्स डिड शी फाइंड स्ट्रेंज? तो जो मार्जी थी, एज वी नो दैट वो लोग एक मैकेनिकल टीचर पे पढ़ते थे और जो बुक्स थे वो अपीयर होते थे स्क्रीन पर, तो वो उसके लिए ये स्ट्रेंज था कि जो वर्ड्स थे वो पेपर पर प्रिंटेड थे और वो लोग वो सारे वर्ड्स जो थे इधर उधर मूव नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए थोड़ी सी स्ट्रेंज थी। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज़? तो टेलीबुक जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक बुक होता है और उसको ई बुक के नाम से भी जाना जाता है। वो कंप्यूटर में स्टोर किया होता है और उसमें स्क्रोलिंग अप और डाउन से हम लोग सारी चीज़ को पढ़ सकते हैं बाई स्क्रोलिंग अप एंड डाउन थिंग्स। वेयर वॉज मार्जी स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट? तो मार्जी का जो स्कूल था वो उसके ही घर में था, उसके बेडरूम के नेक्स्ट में था। वो उसका एक पर्सनल क्लासरूम था जिसमें कि उसके कंप्यूटर को एडजस्ट कर दिया गया था और उसके लेवल ऑफ लर्निंग से उसे सेट कर दिया गया था, और उसके पास कोई भी क्लासमेट नहीं था जिसकी वजह से उसे बहुत ही बोर फील होता था। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न? तो मार्जी और टॉमी जो थे वो लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ते थे। सेक्शन बी, आई वुडेंट थ्रो इट अवे, हु सेज दैट वर्ड्स? तो ये जो शब्द थे ये टॉमी के द्वारा कहे गए थे। व्हाट डज इट रिफर टू? तो इसमें जो इट है वो कंप्यूटर स्क्रीन को रिफ़र किया जाता है जिसमें कि वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स स्टोर किए होते हैं। व्हाट इज़ इट बीइंग कंपेयर्ड बाय द स्पीकर? तो वो जो इट था वो किससे कंपेयर हो रहा था? तो वो जो इट था वो एक रियल बुक से कंपेयर हो रहा था जो कि टॉमी को उसके घर के एक्टिक में मिला था। क्वेश्चन नंबर टू, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, हु डज दे रिफर टू? तो जो दे है यहाँ पर एंस्टर्स से रिफ़र किया जा रहा है, जो कि उन बच्चों के एंस्टर थे जो कि स्कूल जाते थे और वो लोग एक ह्यूमन टीचर से पढ़ा करते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू है, वॉट डज रेगुलर मीन? तो रेगुलर मीन्स है कि मैकेनिकल टीचर जो कि उन लोगों को पढ़ाते थे वो। वॉट डज इट कॉन्ट्रास्टेड विद? तो जो मैकेनिकल टीचर थे वो कॉन्ट्रास्ट किए गए थे ह्यूमन टीचर से। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्जी एंड टॉमी हैव? तो मार्जी और टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर थे, वो जो थे वो कंप्यूटर्स थे जिस पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे और डिफरेंट लेवल के लर्नर्स के अकॉर्डिंगली, और वो सारे मेल फंक्शनड थे
और वो कभी कभी हो जाते थे कि ख़राब हो जाते थे, तो वो लोगों को ओपन करके ठीक भी कर दिया जाता था। वो सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉनिक थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? तो मार्जी मदर जो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाई थी, इसलिए बुलाई थी क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर थे वो ख़राब हो चुके थे और मार्जी फेल कर रही थी ज्योग्राफी में रिपीटेडली। तो इसके वजह से उसको मार्जी की मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था ताकि वो टीचर को ठीक से कर पाए फिर से। तो व्हाट डिड ही डू डू? तो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो ट्रेन कर दिया था, रिपेयर कर दिया था कंप्यूटर टीचर को, और वो उस मशीन को चेक कर लिया था, और ज्योग्राफी का जो सेक्टर था वो थोड़ा सा हाई लेवल पर हो गया था तो उसको वो फिर से नॉर्मलाइज कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वॉज मार्जी टी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी? वॉट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्पर? तो मार्जी जो थी वो बार बार फेल हो रही थी ज्योग्राफी के टेस्ट में, क्योंकि उसका जो टीचर था वो एक डेवलप कर लिया था फॉल्ट खुद में। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो मार्जिस की मदर को बोलता है कि ये मार्जी का गलती बिल्कुल भी नहीं था, जो उसका प्रोग्रेस था वो कहीं ना कहीं अच्छा था और सेटिस्फैक्ट्री था, गुड था, और वो रीसेट कर दिया था उसके टीचर को मार्जी के लेवल से। वॉट डिड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर? तो टॉमी का जो टीचर था उसमें एक बार फॉल्ट डेवलप हो गया था और एंटायर सेक्शन जो था हिस्ट्री का वो डिलीट हो गया था, और उसके टीचर को फिक्स करने में लगभग 1 month लग गया था। क्वेश्चन नंबर 6, डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज ऑफ एंड आवर्स ऑफ स्कूल? इफ सो वाई? तो मार्जी जो थी वो सेम टाइम पे पढ़ती थी एवरी डे, सैटरडे और संडे को छोड़ के, क्योंकि सैटरडे और संडे को उसके वीकेंड का छुट्टी हुआ करता था। और उसकी मदर का ये कहना था कि अगर एक पर्टिकुलर आवर पे बच्चों को पढ़ाया जाए तो वो लोग ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को ग्रैब कर पाएंगे और उन लोगों के अंदर एक अच्छा सा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? तो टॉमी कह रहा होता है कि ओल्ड काइंड जो स्कूल थे वहाँ पे एक मैन टीचर होते थे, वो लोग बहुत सारे चीज़ फन करते थे, स्टूडेंट्स होते थे वो स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया करते थे, टीचर्स उनसे क्वेश्चन पूछा करते थे, और जो ह्यूमन मैन थे मतलब जो टीचर थे वो नॉलेजेबल थे एज मच एज देयर मैकेनिकल टीचर। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? तो वो कह रहा होता है कि जो ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स थे वो एक रेगुलर मैकेनिकल टीचर जैसे नहीं थे, वो लोग ह्यूमन बीइंग थे और मशीन्स बिल्कुल भी नहीं थे। डी नंबर व्हाट, ये लॉन्ग क्वेश्चंस है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर एज द स्कूल रूम्स दैट मार्जी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी? तो मार्जी और टॉमी के जो टीचर्स थे वो मैकेनिकल टीचर थे, वो लोग लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स थे जिसमें कि लेसन्स अपीयर होते थे, लेसन्स जो थे वो उसके बाद क्वेश्चंस आते थे, स्टूडेंट्स को जो अपना होमवर्क होता था और टेस्ट पेपर्स होता था वो एक स्लॉट प्रोवाइड किया जाता था जिसमें उन लोगों को भरना होता था, वो जितना भी जो भी लिखते थे उसको पंच कोड में लिखना होता था जो कि एक कंप्यूटिंग लैंग्वेज होता है, और मैकेनिकल टीचर्स जो थे उनके पेपर्स को चेक करते थे और तुरंत ही विद इन अ फ्यू सेकेंड्स उनके टेस्ट को या उनके होमवर्क को वो लोग चेक करके उसका नंबर दे देते थे। क्लासरूम जो थे वहाँ पर वो लोग का पर्सनल हुआ करता था, स्टूडेंट्स जो थे वो लोगों को अपने रिस्पेक्टिव मैकेनिकल टीचर से पढ़ाई करना होता था, सब टीचर जो थे अपने सभी बच्चों के लेवल्स पे एडजस्ट कर दिए गए होते थे, उन लोगों के पास कोई भी क्लासमेट नहीं हुआ करता था, और वो लोग सब्जेक्ट्स पढ़ा करते थे जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स। मार्जी को जो था उसको सेम आर पर सेम टाइम पर पढ़ाई करना होता था एक्सेप्ट सैटरडे और संडे, क्योंकि उसके मम्मी का कहना था कि अगर वो एक प्रॉपर टाइम पर पढ़ेगी तो उसके लिए ये अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल? व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? तो मार्जी सोच हमेशा से हेट कर रही होती थी स्कूल को, क्योंकि वो उसके लिए बिल्कुल भी फन नहीं हुआ करता था, उसके मैकेनिकल टीचर जो थे उसके पूरे के पूरे लर्निंग के प्रोसेस को ख़राब कर दिए थे, वो एक मशीन था जो कि कैरी आउट करते रहता था यूजुअल वर्किंग, और कुछ भी उसमें नया नहीं होता था, कुछ भी मज़ा कुछ भी फन नहीं होता था, वो बहुत ही बोरिंग था मार्जी के लिए। मैकेनिकल टीचर जो थे उसको ज्योग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहे थे और वो ख़राब करते ही जा रहे थे, जिसकी वजह से उसको और भी ज़्यादा निराशा ही हो रही थी, और
मैकेनिकल टीचर में एक फॉल्ट भी हो गया था जिसकी वजह से वो हायर लेवल का टेस्ट ले रहा था। मार्जी की मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था, काउंटी इंस्पेक्टर ने फिर उसको ठीक कर दिया था, लेकिन उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था कि पुराने टाइम पे बच्चे कितने अच्छे से एक साथ फ़न कर रहे होते होंगे, पढ़ाई करते होंगे, ह्यूमन टीचर होंगे, नेबर्स के बच्चे सबको एक साथ मिल कर के हंसते खेलते होंगे, एक दूसरे को होमवर्क में हेल्प कर रहे थे, और वो बहुत ही ज़्यादा सोच रही होती है अपने पुराने टाइप ऑफ स्कूल के बारे में। तो ये था इस चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इफ़ यू गाइज वॉन्ट देन यू कैन आस्क फॉर मोर वीडियोज इन द कमेंट सेक्शन एनी चैप्टर ऑफ क्लास 9 और अप टू क्लास 9 यू कैन आस्क फॉर एनी चैप्टर। आई विल डेफिनेटली अपलोड इट। द वीडियोज विल बी नाउ रेगुलर। आई विल नॉट लीव यूट्यूब एंड इफ आई विल डू सो आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू गाइज। सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन विच चैप्टर यू वॉन्ट और विच टाइप ऑफ वीडियोज यू वॉन्ट। इफ़ यू वॉन्ट एनी स्टडी टिप्स टाइप वीडियो यू कैन डेफिनेटली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू मेक इट एज सून एज पॉसिबल। Please do comment and please subscribe to my channel and press the bell icon for the future updates. Thank you.